इस वीडियो में बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट इनकम के अंदर आने वाली चेंजेस के बारे में। तो फ्रॉम फाइनेंस एक्ट FA 21 टू फाइनेंस एक्ट FA 22, जो चेंजेस हमारे पास इनकॉर्पोरेट हो रही हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम के अंदर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो बेस रेट है CO2 इमिशन रेट, वो 55 ग्राम ही मौजूद है एज प्रीवियसली, जो कि अप्लाई होगा पेट्रोल कार पर, डीजल कार्स के ऊपर, और 51 ग्राम से लेकर 54 ग्राम पर किलोमीटर के अंदर कार है, पेट्रोल या डीजल कार इस्तेमाल हो रही है, तो प्रीवियसली उसका रेट 14% हुआ करता था, नाउ 14% हैज़ बिन एंडेड और अब नया रेट है 15%। सिमिलरली जो बेस वैल्यू है, प्रीवियसली वो बेस वैल्यू 15% हुआ करती थी, अब वो 15% से इंक्रीज होकर 16% पर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक ऐसी कार है जो कि 55 ग्राम से ज़्यादा है और हर 5 ग्राम पर 1% ऐड कर दिया जाएगा, और इसकी मैक्सिमम लिमिट हमारे पास 37% होती है पेट्रोल कार और डीजल कार की। वो इलेक्ट्रिक कार्स जिनकी प्रीवियस परसेंटेज 1% हुआ करती थी, उनकी परसेंटेजेस इंक्रीज करके अब 2% कर दी गई है। इसी तरह हाइब्रिड कार्स जो होती हैं जिनमें हम इमिशन देखते हैं 1 to 150 ग्राम पर किलोमीटर, और उनका जो टैक्स निकाला जाता है वो इलेक्ट्रिक रेंज के हिसाब से निकाला जाता है। ये इलेक्ट्रिक रेंज हमें टैक्स शीट में गिवन होती है, इस इलेक्ट्रिक रेंज के हिसाब से 1% ईच का इजाफा कर दिया गया है। पहले इलेक्ट्रिक रेंज 130 माइल्स तक 1% थी, अब वो 1% ख़त्म करके उसको इंक्रीज करके 2% कर दिया गया है। इसी तरीके से प्रीवियसली इट वॉज 4% और अब उसे इंक्रीज करके 5% कर दिया गया है। तो हर परसेंटेज 1% से इंक्रीज हो गई है, और अगर 30 माइल से कम इलेक्ट्रिसिटी की कार की रेंज है तो प्रीवियसली वो 13% हुआ करती थी। कार्स के अंदर, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर, और रिलेटिव पेट्रोल और डीजल कार के अंदर भी चेंजेस हैं, और इलेक्ट्रिक कार्स 100% CO2 इमिशन वाली कार 1% से इंक्रीज होकर 2% पे आ चुकी है।